लगाओ बेशरम लाचार आनंद कौन से पुराने जमाने का स्क्रिप्ट लेके पढ़े जा रहे हैं समझ में नहीं आता। 18 साल हो गए एक्टिंग छोड़ के फिर भी इसका एक्टिंग का रहमानी कीड़ा अभी तक खत्म नहीं हुआ। ए भिखारियों के नटा सम्राट बंद कर तेरा ये पढ़ना। 18 साल में एक नया पैसे का काम नहीं मिला अभी जाके खाक मिलेगा तेरे को पढ़े जा रहे। मिलेगा मेरा सपना जल्द ही पूरा होने वाला है। तेरा सपना जगा वो कि मरा वो तेरे सपने की मैं तो अरे बंद कर ना बंद नहीं हो रहा। अरे 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 क्यों चिल्ला दियो। अरे कौवा जब हंस की चाल चलता है ना तो ऐसा ही होता है। क्या बोला तू कौवा चला हंस की जल नहीं या दुनिया जा उगिरडावर करकटा पतरा वही का टुकड़ा हो जगा वो। अरे बुड्ढे बलकार मुझे तकलीफ आ रही है। क्या गुंडालेला दाणी में जा यातना। मैडम पासवर्ड आया है। पासवर्ड खोल के देख। मेरा चश्मा नहीं है खोल के देख। ये तो बाबा का पासवर्ड है। आ गया रिन्यू हो गया। चल 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 पैकिंग की तैयारी कर। अभी हम सब जाएंगे इंडिया। मैं तेजू मानव वो भी सबको सरप्राइज दूंगी। पैकिंग कर जा अभी टिकट निकालेंगे इंडिया जाएंगे। तेज अरे ये सब मैं शाम को कर लूंगी तो अभी क्यों दूध उबाल रही है। ओहो आजी क्या बात कर रही हैं अब शाम को यहाँ कोई होगा ही नहीं। शाम को तो हम सब बाहर होंगे ना इसीलिए मैं सोच रही हूँ जब तक आप घर का सारा काम निपटाती हैं तब तक मैं किचन में आपकी हेल्प कर दूंगी। ओहो ये मोटू कहाँ रह गया। मोटू अरे आज वो जल्दी नहीं आएगा। क्यों वो गया है उसके दोस्त के यहाँ बर्थडे पार्टी के लिए। ओ वैसे उसको तैयार करके कहाँ ले जाने का प्लान है तेरा मतलब पूरे घर को ही कहाँ ले जाने वाली है। ओहो ये तो मैं आपको बताना ही भूल गई इस काम के चक्कर में। मैं आपको सबसे इम्पोर्टेंट बात बताना भूल ही गई। आज बाबा ने ना ओवी और अर्जुन के एंगेजमेंट की खुशी में छोटी सी पार्टी रखी। अरे वो तो मैं जानती हूँ उसी के लिए तो अर्चु अंदर तैयार हो रही है। तो बस आप भी जल्दी से तैयार हो जाइए बिना कोई सवाल किए क्योंकि आप हमारे साथ चल रही हो। मैं वहाँ जाकर क्या कहूँगी वो तो ऑफिस के लोगों के लिए पार्टी है ना। नहीं नहीं मैं नहीं आऊंगी। पूर्वी अच्छा हो तू आ गई। आजी को देख ले पार्टी में नहीं आनी जरा समझा इन्हें। क्या बात है आजी तू क्यों नहीं जा रही है पार्टी में। अरे तुम लोग समझते क्यों नहीं हो। अरे ये पार्टी वार्टी तो तुम बच्चों को जाने की जगह है मैं वहां जाकर क्या करूंगी। अरे आप दोनों तो फिर बैठ गए। आजी मैं इतने टाइम से आपके साथ रह रही हूँ मेरी सगी बहन की एंगेजमेंट पार्टी है और आप वहां पे नहीं होंगी। अमीन ऐसा कैसे हो सकता है। पूर्वी नहीं तेज मैं नहीं आ सकती पार्टी में। लो मेरा बहाना आ रहा है। अब नहीं नहीं मैं कोई बहाना नहीं बना रही हूँ वो कल ऑफिस में मीटिंग है ना तो उसके लिए मुझे प्रेजेंटेशन रेडी करनी है। पूर्वी तुझे पता है ना ये पार्टी बाबा ने ऑफिस के लोगों के लिए रखी है। तेरा थोड़ा बहुत काम रह भी जाता है थोड़ा बहुत छोड़ देता पूरा भी रह जाता है ना वही टेंशन वाली बात नहीं है। और मैं हूँ ना मैं बात करूंगी अर्जुन से वो तेरे को एक्स्ट्रा टाइम दे देगा। चल तेरी प्रॉब्लम सॉर्टेड आगे बोल। ये बिल्कुल ठीक कह रही है तू पार्टी में जा पार्टी एंजॉय कर। अरे काम वाम तो होता रहेगा और मुझे पूरा विश्वास है अर्जुन तुझसे कुछ नहीं कहेगा। नहीं आजी आजी तेज के साथ मेरा जो रिलेशन है वो पर्सनल लेवल पर है मैं उसे प्रोफेशनल लेवल पर यूज नहीं करना चाहती। अभी मैं जा रही हूँ थोड़ा फ्रेश होती हूँ बहुत सारा काम पेंडिंग है। अरे यार हो क्या गया इस घर में सबको। आजी आजी आप चलिए ना मेरे साथ। आजी प्लीज तैयार हो जाइए ऐसे बंद कीजिए। आजी प्लीज बहुत मजा आएगा पार्टी में जाएंगे। आजी प्लीज प्लीज, प्लीज, प्लीज अच्छा प्लीज, मेरी माँ चलती हूँ नौटंकी मत कर। चलो चलो चलो। अरे पूर्वी बता ना मैं कैसी लग रही हूँ। बहुत अच्छी लग रही है। क्या हुआ तुझे सब ठीक है ना। हाँ सब कुछ ठीक है। नहीं मतलब तेरी तबीयत वगैरह ठीक है तो ऐसे थकी थकी सी क्यों लग रही है। सॉरी है अगर मैं चाहूँ भी तो अपनी उदासी की वजह मैं तुझे नहीं बता सकती। क्या हुआ
कुछ नहीं आई, वो थकी हुई तो मैं हूँ। वो एक्चुअली अभी अभी प्रमोशन हुआ है ना, तो इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, मत पूछ। मुझे तो ऐसा लग रहा है मैं अपने सारे वर्कलोड के साथ कैसे कोप अप कर पाऊंगी। एक और वजह है, मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूँ पूर्णी। I love you. हम दोनों का एक दूसरे के साथ रहना हम दोनों डिजर्व करते हैं। मैं नहीं जी सकता तुम्हारे बगैर। पूर्वी क्या बात है बता। पता नहीं आई, आई सच कहूं मुझसे ना ये स्ट्रेस नहीं उठाया जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि सब कुछ छोड़ छाड़ दूं। पूर्वी तू कुछ भी कह रही, तू इतनी मेहनती इतनी काबिल लड़की है, तू ऐसे सोच भी कैसे सकती है कि तू अपना काम छोड़ देगी, पागल है। लेकिन आई मुझे ना डर लग रहा है कि मेरे हाथों कोई गलती ना हो। नहीं पूर्वी ऐसा सोचना भी मत, क्योंकि मैं जानती हूँ तू कभी कोई गलती कर ही नहीं सकती। आई तुझे मुझ पे भरोसा है ना। पागल ये कोई पूछने वाली बात है, मुझे तुझ पे अपने आप से ज्यादा भरोसा है, समझी। और एक बात कहूँ पूर्वी, जो संस्कार तुझ में है ना वो तुझे कभी गलती करने ही नहीं दे सकते। और यही एक बात है जो तुझे लोगों से अलग बना। और फिर अर्जुन सर को देख, उन्होंने तुझ पे इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी, मतलब वो भी तो जानते होंगे कि तुझ में कोई ना कोई काबिलियत है ना। अच्छा चल जल्दी से उठ, तैयार हो, हमें पार्टी में जाना है। आई वो मैं पार्टी में नहीं आ रही। क्यों नहीं जा रही हूँ? तुझे पता है मानव ने मुझे खुद कहा है कि पूर्वी को लेकर आना। पापा ने कहा था? हाँ। आई मेरा मन नहीं है। पूर्वी देख आज मेरे लिए बहुत बड़ा दिन, आज फिर से मैं अपनी दोनों बेटियों को साथ देख पाऊंगी, और मैं चाहती हूँ कि इस खुशी में मेरी बेटी मेरे साथ रहे। मैं अपने बच्चों को देखना चाहती हूँ एक साथ, और अब तू मेरा साथ नहीं देगी तो कौन देगा? तो मेरी खुशी में शामिल होगी ना? हाँ, मैं तेरे साथ तेरी खुशी में जरूर शामिल हूँ। ये हुई ना बात, अब जल्दी से उठ और तैयार हो जाओ, फिर हम चल रहे हैं, ठीक है? आई तेरी खुशी मेरे लिए मेरे दुख से कहीं बढ़कर है। अगर मेरे पार्टी में आने से तुझे खुशी मिल रही है तो मैं वहां जरूर आऊंगी, फिर चाहे अर्जुन का वहां होना मुझे कितनी तकलीफ क्यों ना दे। पुन्नी बेटा सुना तूने? डॉक्टर साहब कह रहे थे कि प्रशांत के आजी की तबीयत में ना काफी सुधार आया है। सुधार आया मतलब अब मरेंगी नहीं वो? ऐसे उठ के ना जाकर व्हाट अ वेस्ट ऑफ टाइम। अरे कैसी बातें कर रही है, पागल हो गई क्या? अरे सुन मेरी बात, कहां जा रही है, कैसी बातें कर रही है तू? देख बेटा जो भी हो रहा है ना वो अच्छा ही हो रहा है। क्या खाक अच्छा हो रहा है, मैं घाटे के घाटे में हूँ। घाटे में कहने का मतलब क्या है तेरा? आई मैं तुझे कैसे समझाऊं, ऑफिस से ऑलरेडी इतनी छुट्टी ले चुकी हूँ और इतना सारा काम पेंडिंग है, सैलरी कटेगी वो, मुझे लगा था यहाँ एक ट्रिप होगा और सब कुछ खत्म हो जाएगा। लेकिन अब जब तक प्रशांत की आजी को इस दुनिया से छुटकारा नहीं मिलता, हमें इन चक्करों से छुटकारा नहीं मिलेगा। अरे यहाँ उनकी तबीयत में सुधार हो गया और तू कैसी बातें कर रही है? आई ऐसी बात नहीं है, मैं सोच रही थी कि जब तक शादी नहीं हो जाती, सब कुछ ऑफिशियल नहीं होता, ये सब फॉर्मेलिटीज करने की क्या जरूरत है? पापा क्या करूं मैं तेरा, अरे इतने अच्छे लोग हैं, तेरे बारे में इतना अच्छा सोचते हैं, और तू है कि तुझे पता है प्रशांत क्या कह रही थी कि पुन्नी हमारे लिए बहुत ही लकी है। अरे उसके आते ही प्रशांत की आजी की तबीयत में सुधार हो गया, लक्ष्मी है वो हमारे घर की, जहां जहां उसके पैर पड़ेंगे ना वहां वहां सब कुशल मंगल ही होगा। और तू है कि उनके साथ, देख प्रशांत की आई कह रही थी कि जब पुन्नी यहां तक आई गई है ना तो वो और प्रशांत जाकर कुलदेवी के दर्शन कर रहे। कुलदेवी के दर्शन, इसका मतलब कुछ दिन और रुकना पड़ेगा, अभी तक मुंबई नहीं जा सकते। हाँ नहीं जा सकते हम, समझ गई आई। लेकिन मेरी ऑफिस। देख पुन्नी ये ऑफिस ऑफिस का राग बंद कर और जरा अपने ससुराल वालों के बारे में सोच। ओ, ये तेमी। देख
मैं जा रही हूँ बाहर और तू जल्दी से कुलदेवी के दर्शन जाने की तैयारी कर, समझ गई? उफ़, वो ये मैं कहाँ आकर फंस गई यार। पता नहीं और कितने दिन अर्जुन सर से दूर रहना पड़ेगा। वहाँ उस पूर्वी ने उन्हें फंसाने में कोई कसर नहीं छोड़ी होगी, और अगर अर्जुन सर उनके जाल में फंस गए तो हो गया मेरा कल्याण। समझ में यार क्या करूँ, कैसे निकलूं यहाँ से। बाबा देखिए ना, मैं अपने साथ किन किन को लेके आई हूँ। अर्चना आंटी, पूर्वी और आजी। नमस्ते सर। नमस्ते। पूर्वी, बहुत अच्छा लगा तुम्हें यहाँ देखकर। थैंक्स फॉर कमिंग। थैंक यू सर। मैं आई हूँ। आपसे प्रॉमिस करती हूँ मानव, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी जिससे कि आपको तकलीफ हो, आपको हर्ट हो। मैं ओवी से बहुत दूर रहूंगी, उसे सिर्फ दूर से देखूंगी, उसे बात तक नहीं करूंगी। मैं प्रॉमिस करती हूँ। खुशी में भाई इतनी खुश थी, लेकिन इस वक्त आई की आंखों में जो खुशी है ना, वो उस खुशी से कई बढ़कर है। थैंक यू बाबा। बाबा बाबा, आज आपने आई को एज एन एम्प्लॉय इस पार्टी में इनवाइट किया, उसके लिए थैंक यू। ये पल ना बाबा आई के लिए बहुत ही खास है। थैंक यू सो मच बाबा। कॉन्ग्रेट्स ओवी मैम। थैंक यू। कॉन्ग्रेचुलेशंस अर्जुन सर। पूर्वी, ये कहाँ लॉस्ट है, मैं लेके आती हूँ इसे। पूर्वी तू यहाँ अकेले खड़े खड़े क्या कर रही है, चल ना सब लोगों के साथ।
चलना पड़ता है, चल जल्दी चल। Congrats. Thank you. Congrats, sir. मुझे डैड ने कहा था कि वो ऑस्ट्रेलिया से आने के बाद मानव अंकल से बात करेंगे। I don't think I can wait. मैं आज शाम को ओवी को सब कुछ सच सच बता दूंगा। And I'm serious. ओवी मैम, ये एक छोटा सा गिफ्ट मैं आपके लिए लेकर आई। पता नहीं आपको पसंद आएगा या नहीं, लेकिन You must be joking. मैंने आपकी चॉइस देखी है मॉल में। Well, if you don't mind, क्या मैं इसे खोल के देख सकती हूँ? हाँ हाँ, प्लीज खोलिए ना। It's beautiful. असल बात यह है उभय मैम, ये गणपति पप्पा आपको मैंने इसलिए दिए ताकि आप और अर्जुन सर अपनी आने वाली जिंदगी में बहुत खुश रहें। और गणपति पप्पा के आशीर्वाद से आपकी जिंदगी में हमेशा खुशियां रहें। अगर छोटी मोटी मुसीबतें आए तो पप्पा उसे सॉल्व कर दें। सगाई बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू आजी। आज तुम बहुत सुंदर लग रही हो। तुम्हें काला टीका लगाने का मन कर रहा है। काला टीका? हाँ। एक सेकंड, ये क्या कर रही हैं आप? ओवी, मुझे तुमसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है। हाँ बोलो ना। काजल तुझे बुरी नजर से बचाएगा। ये अच्छा हुआ, अब ये दिखेगा भी नहीं और किसी की बुरी नजर भी नहीं लगेगी। थैंक यू आजी। बाय द वे आंटी, मैं तो आपको अपने फियांसे से मिलाना ही भूल गई। अर्जुन, मैं तो भूल ही गई, आप तो बाबा की कंपनी में ही काम करती हैं। आप तो अर्जुन को पहले से जानती होंगी। हाँ, मैं अर्जुन सर को बहुत अच्छे से जानती हूँ। लोगों को एक साथ यहाँ पे देख के कितना अच्छा लग रहा है। नहीं पूर्वी, अच्छा हुआ तू आ गई, नहीं आती तो घर बैठे बैठे बोर हो जाती। क्यों, पूर्वी नहीं आ रही थी? कहाँ आ रही थी, इसको जबरदस्ती घर से उठा के लाई। और जीजू, मैं ना आपसे बहुत नाराज हूँ। आपको पता था ना आज पार्टी है, ऑफिस के लोगों के लिए, तब भी आपने पूर्वी को इतना सारा काम दे दिया। आपको पता है घर पे रुक रही थी वो प्रेजेंटेशन बनाने के लिए, लेकिन मैं उसे जबरदस्ती उठा लाई। क्यों? एक्चुअली तेजू, दरअसल बात है कि अर्जुन सर ने पूर्वी को प्रमोशन दिया है, तो उसके ऊपर बहुत सारा काम है, उसकी जिम्मेदारियां बढ़ गई, तो बिजी तो होगी ना वो। हाँ वैसे ये भी बात सही है। एक मिनट, हाँ मैं अभी आई। I'm really sorry,
मैं जानता हूँ जो हो रहा है गलत है, ये बातें तुम्हें बहुत ज्यादा हर्ट करती हैं, बट बिलीव मी आई एम सफरिंग टू, और आज मैं इस प्रॉब्लम को किसी ना किसी तरह से जरूर सुलझा कर लूंगा। आज मैं ओवी को और तुम्हारी फैमिली को सब कुछ बता दूंगा, हमारा रिश्ता सबके सामने आएगा, और आई डोंट थिंक इससे बेटर कोई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है मुझे। I'll do it right now. वो ओवी, मुझे तुमसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है। हाँ बोलो ना।